काफ़ी ये जर्नी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, और हम भी आपको सेम चीज़ बोले जा रहे हैं कि अक्षरा नैतिक इमेजिन करते हैं जो वो नहीं थे अपने टाइम पे जब उनकी शादी हुई, वो चाहते हैं कि वो ऐसे इमेजिन करें जब उनकी शादी हुई इट वॉज अरेंज कम लव, और दिस टाइम दे आर इमेजिनिंग कि उनके लव कम अरेंज मैरिज हो, जहाँ प्यार पहले हो, जहाँ वो एक दूसरे से पहले मिले विदाउट फैमिलीज इंट्रोड्यूसिंग ईच अदर, और कॉलेज में मिले, झगड़ा हो, फिर प्यार हो, तकरार हो, वैसे करके ये पूरा बिल्डअप दिया है। सिचुएशन एक्चुअली वही है लेकिन कहानी थोड़ी अलग अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें वही इवेंट्स हैं, वही चीज़ें, अगर हम लोग एक दूसरे को पहले जानते हैं और हमारा प्यार अगर शादी से पहले होता तो वो सारी चीज़ें कैसी होती, किस तरह होती और लोग कैसे होते और सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तो वो सब ऑडियंस को देखने, इसलिए उसमें होली इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि होली सिंबॉलिक है हमारे शो में। पहली बार नैतिक ने मुझे जो तिलक लगाने के लिए टर्न किया तो मैं दिखी, और होली पे ही जब हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था तो होली पे पैचअप हुआ जब हमने भांग पी ली थी, तो होली बहुत सिंबॉलिक है, तो इसलिए वही इमेजिन कर रहे हैं कि होली पे ही अभी हम फिर से मिलेंगे और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। विलेन नहीं 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 विलेन को बस रखा हुआ है, विलेन कोई नहीं है, हिसाब से रखा हुआ है एक्चुअली हमारे हिसाब से है ना, अभी विलेन विलेन क्या करेंगे एग्जैक्टली। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हमारा हुआ भी था तब मैंने बोला था कि आपने ऋतुराज को क्यों ले आया आप इस हिसाब से रखा हुआ, बोला कोई जब यूज करो रख देंगे बाद में निकाल। कुछ है नहीं तो बट यस होली थोड़ा सा थोड़ी सी ट्रिकी होती है, आपको बार बार मेकअप निकाल के बार बार रंग निकाल के फिर ठीक करना पड़ता है, बट थोड़ा सा सीक्वेंस है। टेरेस वाली नोक टोक तो वाज स्टिल बेटर, देयर वाज अ सीन इन द मॉल जहाँ पर हम बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, वो दैट इज आल्सो वेरी क्यूट, दैट इज द क्यूटेस्ट, ये उसकी एक्चुअली समरी है, बहुत छोटा सा झगड़ा। एक्चुअली जब मैं पहली बार इनसे मिलने आता हूँ और हम लोग टेरेस पे जाके बात करते हैं तो मैं बोलता रहता हूँ ये चुप रहती है, तो इस बार ये दिखाया है कि मैं बोल रही हूँ और ये चुप है, पूरे लड़ लिए दिल खोल के। तो नो 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 इट्स डन होली वाज द लास्ट सीन, इस दौरान अभी हम वर्तमान से निकलकर भविष्य में आएंगे और भूतकाल से निकलेंगे, अभी भूतकाल नहीं भविष्य, फ्यूचर हम भूतकाल से निकल के वर्तमान में आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर भी कुछ अलग है जो आप देखेंगे जिसमें सब अलग अलग किरदार बने हुए हैं, और हम भी कुछ बनने वाले हैं जो आप देखें, मतलब बहुत कुछ बाकी है अभी, ये रिश्ता बहुत पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ बनना बाकी है, और उसके बाद तो 1500 एपिसोड सेलिब्रेशन विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट।